नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JDJ एस्ट्रोलॉजी में और मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। दोस्तों, अमूमन देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहनें विवाह को लेकर परेशान हैं, यानी कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा। इस कारण से उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। दोस्तों, वरन होता यह है कि बड़ी मुश्किल से तो कहीं रिश्ता तय होता है, वहाँ शादी भी होती है और शादी होने के बाद फिर किन्हीं कारणों से वह रिश्ता टूट जाता है या फिर उस रिश्ते में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखने का विषय ये है कि जब हम जन्म कुंडली मैच करवाते हैं तो मैच कराने के बाद भी कहीं ना कहीं विद्वान से विद्वान व्यक्ति से भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, यदि आप अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं तो उस विवाह के साथ अगर उस उपाय को भी आप कर देंगे तो उस कन्या का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय बना रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली मिलान किए वगैरह भी शादी होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जन्म कुंडली का विवरण नहीं होता है या फिर कुछ लव मैरिज करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे में भी कुंडली मिलान को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो एक ऐसा उपाय है कि आप कुंडली मिलान कराएं, अथवा आपने कुंडली मिलान ना भी कराया हो लेकिन इस उपाय को यदि आप करेंगे तो भगवती के आशीर्वाद से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब उपाय क्या है उसे समझ लीजिए, क्योंकि आज के युग में इस उपाय को करना बेहद जरूरी हो गया है। उपाय ये है कि जब कन्या का विवाह हो, जिस दिन कन्या का विवाह है उस दिन एक पीले रंग का धागा जो है वो रेशमी धागा होना चाहिए, और या सूती कलावा ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीले रंग का ही हो। एक पीले रंग का धागा लेकर उसमें 5 गांठ लगा लें धागे के अंदर। ये 5 गांठ 5 सौगंध जैसी होंगी, और ये 5 गांठ लगा करके उस धागे को कन्या के सीधे हाथ पर बांध दें, यानी कि जब फेरे पड़ने वाले हैं कन्या की, जिस दिन शादी है उसी दिन इस काम को करना है, तो उस पीले धागे को कन्या के हाथ में बांध दें। और उसके बाद जब फेरे पड़ जाएं, कन्या का विवाह हो जाए, उसके बाद जब उस कन्या की विदाई होगी, अगले दिन जब कन्या की विदाई होगी, उस समय पर यह करना है कि एक लोटा गंगाजल लेना है, और उस लोटे में गंगाजल लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, और हल्दी डालने के बाद कन्या के सर से 7 बार उस लोटे को उतारिए, और उतारने के बाद कन्या के आगे ही विदाई के समय कन्या के आगे उस लोटे के पानी को फेंक दीजिए, और कन्या उस जल के ऊपर से होती हुई जाए, और जब आप पानी छोड़ देंगे उसी समय पर आप वो धागा कन्या के हाथ से खोल लेंगे। यानी कि एक बार फिर समझ लीजिए, जो धागा है वो धागा आपको हाथ पे बांधना है, उसके बाद विदाई के समय एक लोटा पानी में गंगा जल में हल्दी डालकर कन्या के ऊपर 7 बार उतारनी है, और उसे कन्या के सामने जो है छोड़ देना है, और उसके बाद जो हाथ में धागा बंधा हुआ है उसे खोल लेना है, और कन्या उस जल के ऊपर से होती हुई विदाई हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद जो धागा है वह धागा लेकर के गौरा मैया के, यानी कि जो गौरी माता है भगवान शिव की अर्धांगिनी, माता रानी के चरणों में उस धागे को रख देना है, और अपनी बेटी के लिए मंगल कामना करनी है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, माँ कर सकती है, मौसी कर सकती है, बुआ कर सकती है, कोई भी कर सकता है किसी के लिए। तो ये उपाय करिए, इससे माँ गौरी जो कि सौभाग्य देने वाली देवी हैं उनके आशीर्वाद से निश्चय ही उस कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, उसके जीवन में वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं आएगा पति पत्नी को लेकर के। तो यह बहुत आवश्यक जानकारी है, और आशा करते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी हम देते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, और हम आगे भी देते रहते हैं कि इस तरह की वीडियो जिसमें उपाय बताए जाएं आपका विवाह उन उपायों को करके हो सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी। मिलते हैं एक नवीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।